गुरुदेव, क्रोध गुस्सा को लेके कुछ बात करनी थी। अभी दीक्षा के बाद से मैं बैठने लगा हूँ, टाइम मिलने लगा है मुझे बैठने का। कहीं भी रहता हूँ तो गुस्सा गुरुदेव पता नहीं क्यों बढ़ने लगा है बहुत ज़्यादा। और बाहर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जैसे आज ही मैं घर आया हूँ दिल्ली से, तो मेरा गुस्से से मेरे घर वाले शोषित होते हैं। ख़ास तौर पे अभी मैं आ रहा था, अम्मा को लेके मेरी बेटी आई थी, तो कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो किसी दूसरे गेट पे निकल गई, तो आधा घंटा मैं ढूंढता रहा, तो पब्लिक प्लेस पे ही। अभी वो बीमार भी रही थी, तो मैंने उसे काफ़ी जो है डांट दिया। और मैं शॉक था अंदर से कि आखिर इतना इतना कैसे मैं आवेशित हो गया, और ज़्यादा ही आवेशित हो गया था पब्लिक प्लेस पे। और दिख रहा था, शक्ल पे दिख रहा था, जितनी देर से आप बैठे हैं दिख रहा था। तो गुरुजी, मैं ये जो है बाहर को दिक्कत नहीं होती है, घर में जब मैं आता हूँ तो पता नहीं ये क्या है मेरे साथ कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है गुरुजी। और हालांकि पहले भी आता था, अब पश्चाताप नहीं होता है उतना, पहले होता था अब नहीं होता है। लेकिन एक प्रश्न तो है गुरुजी, गुरुदेव जी मेरा, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं दोनों टाइम बैठता हूँ, टाइम मिलता है मुझे, मुझे अच्छा भी लगता है, घर वालों का सहयोग भी है, लेकिन ये प्रॉब्लम है गुरुजी मेरे साथ। गुस्सा पहले भी था, गुस्सा आज भी है, और ध्यान में बैठना आपने रेगुलर शुरू ही किया है, परिवर्तन आएगा। उसको लेके प्रामाणिक रहिए, ऑथेंटिक रहिए, जैसे कि बात हमने कही थी, और स्वीकार करिए कि आपको गुस्सा आता है। और जिस पे भी परिवारजन में आता है, बाद में उससे भी बात करिए, उसको भी शेयर करिए कि देखिए मुझे आ गया, मैं नहीं नियंत्रित कर पाया, मैं नहीं चाहता था ऐसा। और लेकिन भावना तो मेरी है कि उसको शांति से भी हैंडल किया जा सके। तो जब आप वार्तालाप भी करेंगे, तब भी वो अगली बार में उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने के चांसेस बनेंगे। अगर आप उसे मुंह चुराएंगे या उसको जस्टिफाई करेंगे कि गुस्सा इसलिए ज़रूरी था, तो उलझ जाएंगे उस ट्रैप में। गुस्से को एक्सेप्ट करके ऑनेस्टी से ये मानिए कि आपका जो ढांचा है, सिस्टम है, वो गुस्से को अभी रिसीव करने वाला ही बना है। तो गुस्सा मैं कर एक तो वो जो मैं कहता हूँ मैं कर रहा हूँ, उससे हटिए। गुस्सा आपके अंदर आ रहा है, घट रहा है, कोई भी रीजन हो सकते हैं, घट रहा है लेकिन इस सिस्टम को परेशानी दे रहा है। तो उसमें प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी लाइए। ऑथेंटिसिटी यही है कि उससे बचिए नहीं। और फिर जिस पर भी गुस्सा करते हैं उसे क्षमा नहीं मांगिए, उससे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करिए, उससे बताइए कि हम नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ, अब देखते हैं अगली बार क्या होता है। तो इसको थोड़ा लाइटर नोट पे रखिए, बजाय कि आप मुंह चुरा के भागें कि गलत कर दिया या सॉरी बोलें। सॉरी मत बोलिए, आप शेयर कर दीजिए, बात बता दीजिए, और जानिए कि भाई हम परिवार में हैं तो प्रेम तो करते ही हैं, और अगली बार देखते हैं, अगली बार देखते हैं कैसा आता है क्या नहीं आता। तो ये आपने अवेयरनेस का एक इनपुट डाल दिया अपने अंदर, अगली बार देखते हैं क्या होता है। तो दूसरा व्यक्ति भी तैयार है कि अगली बार देखते हैं क्या होता है। तो दोनों तरफ से जो तैयारी होगी उसको थोड़ा रिड्यूस करेगी, और फिर ग्रेजुअली कई बार जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक दिन दोनों लोग एक बार जब गुस्से में होंगे तो थोड़ी ही देर में आप हंसने भी लग जाएंगे कि देखिए फिर शुरू हो गए। प्रैक्टिस करिए इसको फार्मूले की तरह, आएगी लपट उठेगी, लेकिन याद आ जाएगा लो फिर शुरू हो गए, तो थोड़ी देर में वो लपट चली जाएगी। देखिए अभी भी मुस्कुराहट आ गई आपको।